मैं जानती हूँ राजा, आज बाबूजी की बातों से तुम्हारा दिल टूट गया है, मगर हिम्मत हार कर बैठ जाओगे तो आगे आने वाली मुसीबतों का सामना कैसे करोगे? अरे बात अगर सिर्फ मेरी होती तो मैं हंसी में उड़ा देता, मगर मेरी वजह से बाबूजी और माँ जो अलग हो गए ना, ऐसा लगता जैसे शरीर के दो हिस्से हो गए हों। सबर करो राजा, और किया भी क्या जा सकता है। जो कहूंगा करोगी? वापस लौटने के अलावा जो कुछ भी कहोगे करूंगी। ठीक है, कूद जाओ इस नदी में। बस इतनी सी बात? अरे अरे, ये क्या कर दिया इस लड़की ने? अरे ये क्या नया नाटक हो रहा भाई? ए मधुबाला, 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 मधुबाला कहाँ हो तुम? मधुबाला, मधुबाला, मधुबाला कहाँ हो तुम? मधु, मधुबाला, 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 अरे मधुबाला, मधुबाला, अरे डरा ही डरा। मेरे कूदने के बाद तुम क्यों कूदे? मुझको क्या पता था कि तुम कूद जाओगी? मैंने सोचा कि तुम नाराज होकर घर चली जाओगी। देखो उस दिन जो आकर शादी में तुमने गड़बड़ की थी ना, उसी कारण ही मुसीबत उठानी पड़ रही है। और उस पगली के साथ शादी हो जाती तो अब तक तुम भी पागल हो गए होते। वो चलता था मुझको, कम से कम मेरे माँ बाप तो अलग नहीं होते। तुम क्या समझते हो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है? ये देखो जहर। हाँ, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे बाबूजी के पास जाऊंगी और कहूंगी कि आप अपनी पत्नी और बेटे को वापस बुला लीजिए, मैं राजा की जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ, और फिर कहीं जाकर मैं ये जहर पी लेती। आइए आइए वैद्य जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है लखन जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए बुलाया है। अच्छा अच्छा। एक बात तो बताइए वैद्य जी, किसी ने अगर ये जहर दूध में मिलाकर पी लिया हो तो जहर पीने के कितनी देर बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा? अगर एक घंटे से ज्यादा समय हो गया हो तो जान बचाना मुश्किल है। मतलब पौने घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसे दवा पिला दें तो बच सकता है। हाँ, मगर ये तो बताइए जहर पिया है किसने? नहीं नहीं, पिया नहीं है, पीने वाला है। मेरी बेटी? अरे किशन बात देख रहे, अरे क्या हुआ मेरी बेटी को रे? अरे क्या हुआ रे? भाई साहब, मैं खेत से वापस लौट रहा था तभी ये रास्ते में बेहोश पड़ी हुई मिली। मेरी तो जान ही निकलेगी जब मैंने ये खाली जहर की शीशी इसके पास पड़ी हुई पाया। इसने जहर पी लिया? हाँ। अरे किस अतवा, जिस बात का डरता वही हुआ रे। अरे एक मिनट ठहरो भाई, इस हालत में इसको वैद्य के पास ले जाना चाहिए। उठा उठा उठा। हमारे पास गया है भाई साहब वैद्य को बुलाने के लिए। अरे ताऊ जी, वैद्य जी भी आ गए। वैद्य जी जल्दी जल्दी देखिए लड़की को। जहर पिए लगभग आधा घंटा हो गया है, तब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। रुक जाओ वैद्य जी, रुक जाओ। क्यों? अभी इसके जिंदा रहने की जरूरत भी क्या, इसे मर जाने दो। अरे पागल हो चंद्रमोहन, कैसी बात कर रहे हो तुम, दवा दो भाई। अरे वैद्य के बच्चे, इस लड़की का बाप मैं हूँ, तुम इसको दवाई नहीं पिलाओगे समझे? अरे तेरे कारण मेरी बेटी पर दुखों का पहाड़ टूटा है, तू इंसान ही चल रहा है काका। मेरे देवता समान ताऊ जी के बारे में एक बुरा शब्द नहीं कहना, वरना। ठहरो भाई ठहरो, तुम बच्ची को दवा तो पिला लेने दो, उसके बाद जी खोल के मुझे गाली देना बस। एक शर्त पर दवा पिएगी, राजा को बुलाकर मेरी लड़की के गले में अभी मंगलसूत्र डलवाओ, अभी अभी। देखिए समय बीतता जा रहा है, लड़की की हालत खराब होती जा रही है। चंद्रमोहन, तुम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हो ना? हाँ। तो मेरे बेटे से कर दो। तुम्हारा बेटा? हाँ, अमावस से। अमावस? अरे तू, इससे अच्छा तो मेरी बेटी मर जाए। लड़की की हालत बिगड़ती ही जा रही है, अगर 5 मिनट में दवा नहीं पिलाया गया तो लड़की को कुछ भी हो सकता है। चंद्रमोहन, अमावस भोला है, उस गद्दार राजा से हजार गुना बेहतर है, लाखन की बात मान लो। काका जी, राजा भी तो लावारी सी था ना, वो तो ताऊ जी ने उसके सर पे हाथ रख दिया तो वो राजा से राजा बाबू बन गया। ताऊ जी जिसके सर पे हाथ रख देंगे वही बाबू बन जाएगा। अरे लेकिन इसका वारिस तो वही रहेगा ना। वारिस? चंद्रमोहन, अगले शुक्रवार को आके देखना, मैं सारे गांव के सामने कहूंगा कि मेरा वारिस अमावस है, इसको मैं गोद ले रहा हूँ बस।
भैया मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी बेटी की शादी राजा से ना होकर अमावस से हो रही है, वारिस तो अमावस ही है ना। मैंने जो कुछ सुना क्या ये सच है? खामोश क्यों है, जवाब दीजिए। सच है। वाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मेरी कोख से जन्म ना लेने पर भी आज तक जो मुझे माँ और आपको बाबूजी पुकारता रहा, उस पर ये पहाड़ टूटने के बाद भी कि वो अनाथ है, उसने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि उसके अपने माँ बाप कौन है, क्योंकि आज तक वो हमें ही अपना माँ बाप समझता है। ऐसे बेटे की जगह आप किसी और को दे रहे हैं। तो अब आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए, आप अपनी जायदाद चाहे किसी को भी दे दें, लेकिन बेटा कहलाने का हक अगर आपने मेरे बेटे के सिवा किसी और को दिया तो आपसे अपनी चिता जलाने का हक भी छीन लूंगी। थी मां बाबूजी से लड़ने के लिए, मगर उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि बाबूजी हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन वो चाचा जी और उनका प्यारा बेटा बाके है। हमारे परिवार को मोहरा बनाकर बड़ी चालाकी से दोनों शतरंज की चाल खेल रहे हैं। जानती हूं राजा, लेकिन तेरे बाबूजी तो उसे अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं। उन्हें कैसे यकीन दिलाया जाए कि लाखन न्यास इनका सांप है। आज तक मैं रिश्तों का ख्याल रखकर चुप बैठा रहा, भूल गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि शत्रु शत्रु होता है, भले ही अपना सगा संबंधी क्यों ना हो। अब तुम देखना मां, तुम्हारा ये अनपढ़ और अंगूठा छाप बेटा कैसे शत्रुओं के अंगूठे काटता है। राजा बाबू, ये सब कुछ आपने मालकिन को तसल्ली देने के लिए कहा है या वाकई को तरकीब है? मधु, तुम अपने कपड़े पेटी में डाल के जल्दी से पेटी ले आओ, जाओ। ये कैसी तरकीब है? तू जाकर रसोई से प्याज लेकर आ, जा। कुछ अजीब सी तरकीब है, पेटी प्याज, प्याज पेटी पेटी।